गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये पॉलिटी से रिलेटेड होगी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट अलाउज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फॉर रेप सर्वाइवर्स। तो इसके ऊपर हम पहले भी क्लास जो है वो बना चुके हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हाई कोर्ट ने जो है वो अपना डिसीजन दिया था, और जब हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन ये दिया था कि वो जो एक पर्टिकुलर लड़की जो थी उसका रेप हुआ था, और उसको जो है जिस वजह से वो जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और जो हाई कोर्ट जो था उनका ये कहना था कि अब क्योंकि वो जो है टाइम पीरियड जो है वो निकल चुका है, इस वजह से उसको जो है वो उस प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट नहीं कर सकती। तो उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि ये केस जो है ये अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट प्रोबेबली जो है ये रूलिंग जो है ये आ जाएगी कि जो वो विमेन जो है वो टर्मिनेट जो है वो कर सकती है। तो ऐसी ही रूलिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। अब देखते हैं न्यूज़ में ये जो है ये क्यों है। ऑब्जर्विंग दैट द प्रेगनेंसी आउटसाइड मैरिज स्पेशली इन केस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट, तो प्रेगनेंसी अगर आउटसाइड मैरिज जो है वो हुई हो, स्पेशली इन केस ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट या किसी का रेप हुआ हो, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अलाउ कर दिया है कि रेप सर्वाइवर जो है वो जो है वो अपनी प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट कर सकता है। 27 वीक्स की प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट जो है वो किया जा सकता है। इससे जो जो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ओवर रूल कर दिया है गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को, जिन्होंने डिक्लाइन कर दिया था रिक्वेस्ट, उस लड़की की रिक्वेस्ट को, कि वो जो है वो अपनी प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट नहीं कर सकती। अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट जो है जो जिसको अमेंड किया गया 2021 में, उसमें जो है अपर लिमिट जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की वो 24 वीक्स है। अब क्योंकि वो 24 वीक्स जो है उससे ऊपर हो गई थी, तो इस वजह से जो है हाई कोर्ट जो था उन्होंने उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से मना कर दिया था। अब देखते हैं लीगल प्रोविजन्स क्या है इंडिया में रिलेटेड टू अबॉर्शन। तो 1960s तक जो है अबॉर्शन जो था वो इंडिया में प्रोहिबिट था, लेकिन उस वजह से क्या होता था कि लोग जो है वो लॉ के बाहर जाके अबॉर्शन जो है वो फिर भी होते थे, वो लॉ के बाहर जाके जो है जो इलीगली जो है वो अबॉर्शन जो है लोग जो है वो करवा लेते थे। उस वजह से क्या होता था कि लोगों की हेल्थ जो थी, अब कोई ऐसा डॉक्टर जो है जिसको कम्प्लीटली अबॉर्शन जो है वो नहीं करना आता, अब क्योंकि उसकी मजबूरी है अबॉर्शन करवाने वाले की, उसकी उसको अबॉर्शन करवाना ही है, तो उस वजह से वो ऐसे कैसे किसी भी डॉक्टर के पास जो है वो चले जाते थे। अब क्योंकि वो चीज़ जो थी वो रेगुलेटेड नहीं थी, अब उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उस चीज़ को रेगुलेट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। उसी के साथ अगर 1960 से पहले अगर कोई अबॉर्शन करवाता था तो या तो उसको इम्प्रिजनमेंट होती थी या फिर फाइन होता था अंडर सेक्शन 312 ऑफ इंडियन पीनल कोड IPC की इस के सेक्शन 1312 के तहत जो है उनको फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट जो है वो हो जाती थी। देन जब सरकार ने देखा कि इस तरीके के प्रॉब्लम जो है अबॉर्शन जो है वो तो फिर भी हो रहे हैं, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्थ हैजार्ड जो है वो भी सामने आ रहे थे, तो उस वजह से गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक शांतिलाल शाह कमेटी जो है उसका गठन किया, जिसको सेटअप किया गया मिड 1960s में। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और जो अबॉर्शन रेगुलेशंस जो है उन्होंने बोला कि अबॉर्शन को रेगुलेट करने की ज़रूरत जो है वो है, तो उस वजह से उसके बेसिस पे उन्होंने MTP एक्ट जो है वो निकाला 1971 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 उसको इनेक्ट किया गया, जो कि अलाउ करता था लीगल अबॉर्शंस और सेफ और लीगल अबॉर्शन जो है वो अलाउ करता था, जिस और विमेन की जो हेल्थ जो है उसको भी जो है ये सेफ गार्ड करता था, और मैटरनल मॉर्टिलिटी जो है वो भी इससे रिड्यूस हुई, क्योंकि जब विमेन जो है वो अबॉर्शन करवाने जाती तो वहाँ पे विमेन जो है उनकी डेथ जो है वो हो जाया करती थी, जिससे मैटरनल मॉर्टिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ रही थी, तो उसको भी रिड्यूस करने में जो है उसने मदद की। देन MTP एक्ट जो था 1971 का, उसने अलाउ किया कि भी अगर जेस्टेशन पीरियड को अगर 20 वीक से कम का जेस्टेशन पीरियड है तब जो है अबॉर्शन जो है वो किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी जो विमेन जो है उसके कंसेंट की ज़रूरत होगी, और उसी के साथ साथ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है RPM उसकी ज़रूरत होगी। उसके बाद ये लॉ जो था उसको अपडेट किया गया 2002 में, देन उसके बाद 2021 में। 2021 में क्या किया गया, वो जो अबॉर्शन का जो टाइम पीरियड जो था उसको इंक्रीज करके 20 वीक से 24 वीक तक जो है जेस्टेशन पीरियड का टाइम जो है वो इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि अब प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट किया जा सकता था 24 वीक्स तक, लेकिन इसमें स्पेसिफिक केसेस जो है वो भी डिफाइन किए गए कि स्पेसिफिक केसेस में जो है इसको जो है इस टाइम पीरियड को जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। पहले जो है एक डॉक्टर के अप्रूवल की ज़रूरत होती थी, अब दो डॉक्टर्स के अप्रूवल की ज़रूरत जो है वो होगी। उसी के साथ
अगर 24 वीक से ज़्यादा टाइम जो है वो बढ़ गया है, तो उस केस में जो एक स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड जो है वो सेटअप किया जाएगा और वो डिसाइड करेगा कि जो प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर जो है 24 वीक्स के टाइम का 24 वीक्स का टाइम जो है वो एक्सीड कर चुका है। इट एक्सटेंड द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव क्लॉजेज टू अनमैरिड वीमेन। अगर अनमैरिड वीमेन जो है, अगर उनमें उन्हें उनका जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो फेल कर गया है, तो उस केसेस में भी जो है इनको जो है वो अलाउ किया गया कि वो भी जो है अपनी प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट कर सकती हैं। लेकिन सेम चीज़ जो है वो भी यहीं पे अप्लाई होती थी कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसको उसकी जो कंसेंट जो है वो चाहिए, वीमेन जो है उसका कंसेंट जो है वो चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है क्योंकि पहले जो था ये कंसेंट जो था वो सिर्फ और सिर्फ ये क्लॉज जो था वो सिर्फ और सिर्फ मैरिड वीमेंस के लिए ही अलाउड था, तो जो 2021 में जो एमटीपी एक्ट जो था उसमें अनमैरिड वीमेन जो थी उनको भी इंक्लूड किया गया। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अफर्म्ड वीमेंस बॉडीली ऑटोनॉमी। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अबॉर्शन राइट जो है वो वीमेन की जो है वो मर्जी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वीमेन की अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी जो है आर्टिकल 21 जो है वो प्रोवाइड करवाता है वीमेन की अपनी बॉडीली ऑटोनॉमी। तो उसकी जो है वो अपनी पर्सनल लिबर्टी जो है वो होनी चाहिए, उसकी ये जो आपकी पर्सनल लिबर्टी जो है वो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस जो है उसको भी जो है वो एक्नॉलेज जो है वो करती है। तो अगर वो जो है बच्चा जो है उसको पैदा करना चाहती है तो वो पर्सनली उसकी ऑटोनॉमी है अगर वो पैदा करना चाहती है, या फिर वुमेन जो है वो उस बच्चे को पैदा जो है वो नहीं करना चाहती, तो ये कम्प्लीटली जो है उसकी पर्सनल लिबर्टी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब एक चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं दोनों एमटीपी एक्ट्स, एमटीपी एक्ट ऑफ 1971 और एमटीपी एक्ट ऑफ 2021। तो 1971 का जो एक्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ मैरिड वेमेन के लिए ही अप्लाई होता था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2021 का एक्ट जो है वो अनमैरिड वेमेन भी को भी उसमें कवर करता है। उसके अलावा जेस्टेशन लिमिट जो थी वो एमटीपी एक्ट 1971 में 20 वीक्स की थी, जिसको बाद में जो है 2021 में 24 वीक्स जो है वो कर दिया गया। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की मदद जो है कंसेंट जो है वो चाहिए होता था अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है 12 वीक्स तक की, और अगर 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट करनी है तो दो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उनकी जो है कंसेंट जो है वो चाहिए होता था, उनका ओपिनियन जो है वो चाहिए होता था 1971 के एक्ट में। उसी को इंक्रीज करके जो पीरियड जो था वो 20 वीक्स जो है वो कर दिया गया, उसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसकी जो ओपिनियन जो है वो चाहिए होता, और अगर दो मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए होगा अगर प्रेगनेंसी जो है उसको 20 से 24 वीक्स जो है वो हो चुके हैं, और अगर 24 वीक्स से ज़्यादा हो चुके हैं तो मेडिकल स्टेट मेडिकल बोर्ड जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, अगर वो अप्रूवल देता है तो वो प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वहीं अगर विमेन की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ब्रीच होती है तो 1971 के एक्ट में जो है वो फाइन रखा गया था अप टू ₹1,000, उसी फाइन को इंक्रीज करके जो है फाइन के साथ साथ एक साल की इम्प्रिजनमेंट जो है वो कर दी गई एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में। अब ये जो जस्टिस के एस पुट्टास्वामी की जो जजमेंट जो आई थी उसमें जो है आर्टिकल 21 में जो है जो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस जो है उसको उसमें इंक्लूड कर लिया गया, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 के तहत जो है रिप्रोडक्टिव चॉइसेस जो वुमेन की चॉइस जो है वो होनी चाहिए, उसकी रिप्रोडक्टिव चॉइसेस जो है वो वुमेन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, उसकी कंप्लीट पर्सनल लिबर्टी जो है क्या वो बच्चा जो है वो पैदा करना चाहती है या फिर वो बच्चा जो है वो पैदा नहीं करना चाहती, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है आर्टिकल 21 के तहत जो है उसकी जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के तहत जो है वुमेन को वो प्रोवाइड करवाई गई है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो एमटीपी एक्ट के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।